हेलो व्यूअर्स, आज का जो रेसिपी है वो है रेस्टोरेंट स्टाइल बटर चिकन, जिसको आप घर पे बहुत इजीली बना सकते हो। बहुत ही यम्मी बनता है रेस्टोरेंट जैसा। बटर चिकन बनाने के लिए मैंने यहाँ पे चिकन ब्रेस्ट लिया है, जिसको मैं छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर रही हूँ। आप चाहिए तो मार्केट से जो बोनलेस चिकन है वो भी ले सकते हो, या फिर जो बिरयानी कट या ग्रेवी कट जो चिकन मिलता है वो भी आप ले सकते हो, लेकिन इसमें जो है अच्छा लगता है जो बोनलेस चिकन है वो ही। अभी मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून दही, साथ में 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, मैंने यहाँ पे कश्मीरी रेड चिली पाउडर लिया है, और 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। और इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी, और मिक्स करने के बाद 15 मिनट्स के लिए मैं इसको ढक के रख दूंगी मैरिनेट करके। आप चाहे तो होल नाइट भी मैरिनेट करके रख सकते हो, आपके हाथ में जितना टाइम है उतने टाइम के लिए आप मैरिनेट करके रख सकते हो, तो ये जो है चिकन जो है और सॉफ्ट बनता है। और मैं जो यहाँ पे रेसिपी शेयर करूँगी वो बहुत ही इजी है, लेकिन खाने में बिल्कुल ही रेस्टोरेंट जैसा ही लगेगा, तो एंड तक देखते रहिए। कढ़ाई पे मैंने तेल ले लिया था 1 टेबल स्पून। तेल गर्म हो जाने के बाद मैं चिकन को एक एक करके एकदम लो मीडियम फ्लेम में फ्राई करके लूँगी, जब तक इसका जो कलर है चिकन टिक्का जैसा ना हो जाए। यहाँ पे मेरे 500 ग्राम्स चिकन है, जिसके लिए मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल लिया था। तो अभी मैं फ्राई करूँगी, और फ्राई करते करते इसे पानी भी निकलेगा, लेकिन उसको मुझे पूरा सुखा लेना है, और जब तक टिक्का जैसे कलर ना आए तब तक इसको फ्राई करते रहना है। देखिए, अभी तेल छोड़ दिया है और इसका कलर भी टिक्का जैसा आ गया है। अभी सेम कढ़ाई में मैं 1 टेबल स्पून ऑयल ले रही हूँ, और साथ में ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा बटर। आप चाहे तो पूरे बटर में भी बना सकते हो, बट मुझे तेल और बटर मिक्स करके अच्छा लगता है। अभी मैं डाल रही हूँ खड़ा गरम मसाला, जो है दालचीनी और 2 इलायची। साथ में ऐड कर रही हूँ मैं 1 मीडियम साइज प्याज के पेस्ट, साथ में ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, और 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर। तीखा जो है अपने हिसाब से आप ऐड कर सकते हो, और अभी मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। आप कश्मीरी रेड चिली पाउडर यूज़ कीजिए तो फिर इसका कलर जो है बहुत ही अच्छा आता है। अभी मैं ऐड कर रही हूँ 2 मीडियम साइज टोमेटो प्यूरी। आप इसमें जो रेड टोमेटो रहता है, एकदम बहुत ही राइप टोमेटो रहता है, वही यूज़ कीजिए, तो इसका टेस्ट और कलर दोनों ही अच्छा आता है। अभी तेल छोड़ देने के बाद ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और उसके बाद ऐड करूँगी काजू पेस्ट। काजू पेस्ट में मैंने 4-5 काजू को 1 टीस्पून खसखस और 1 टीस्पून मगज के साथ पेस्ट बना लिया है, और डाल रही हूँ मैं 1 टीस्पून मलाई। आपके पास क्रीम है तो आप क्रीम भी ऐड कर सकते हो। आपके पास अगर मगज या खसखस नहीं है तो आप कोई भी एक डाल सकते हो, काजू या मगज या खसखस, कुछ भी। ऐसे रेस्टोरेंट में मगज ऐड करते हैं ताकि टेस्ट जो है थोड़ा सा अच्छा आता है। और हाँ, यहाँ पे मैंने यहाँ पे लो फ्लेम में ही इसको मैं पका रही हूँ, जब तक इसका तेल ना छूट जाए। एक बार तेल छोड़ देने के बाद ऐड कर रही हूँ गर्म पानी। मैं गर्म पानी उतना ही ऐड करूँगी जितना मुझे ग्रेवी चाहिए, उससे थोड़ा सा ज़्यादा। इसको अच्छे से मिक्स दे दूँगी, और उसके बाद मैं ऐड करूँगी सॉल्ट। मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया है, और साथ में 1/2 टीस्पून शुगर। शुगर बहुत ही ज़रूरी है इसको टेस्ट को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि इसका जो टेस्ट है थोड़ा सा स्वीट, हल्का स्वीट रहता है, और साथ में तीखा भी रहता है। तभी मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। एक बार बॉयल आ जाने के बाद ऐड कर रही हूँ पहले से फ्राई किया हुआ चिकन के पीसेस। अभी मैं ऐड कर रही हूँ क्रश करके कसूरी मेथी। अभी मैं लो फ्लेम में मैं इसको 5 से 10 मिनट तक पका लूंगी, ताकि इसके जो ग्रेवी का जो टेस्ट है चिकन के अंदर जाए। अभी हो गया है हमारा बटर चिकन। मैं ऐड कर रही हूँ उसमें थोड़ा सा बटर। मैं आपको नजदीक से दिखाती हूँ, देखिए कलर जो है बिल्कुल ही रेस्टोरेंट जैसा आया है, और टेस्ट भी उतना ही यम्मी बनता है। अभी मैं इसमें धनिया को बारीक काट के मैं गार्निश कर दूंगी। रेस्टोरेंट स्टाइल बटर चिकन रेडी है, सर्व कर दूंगी होममेड बटर नान के साथ। इसका भी रेसिपी मेरे चैनल पे है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच।